प्लेटफॉर्म एसटीडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीताराम महतो और आज का सवाल है सिंपल। आइए देखते हैं फ्रैक्शन, यानी कि इसका हिंदी होता है भिन्न। बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, आज फ्रैक्शन को देखने हैं सिंपल मेथड और भिन्न देखते हैं कि 1/2 ये क्या है। ये आप भी जानते हैं ये भिन्न है, ये क्या है भिन्न है। लेकिन 2/1/4 भी देखेंगे तो ये भी आपका भिन्न है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आप सभी के पास देखते हैं कि 4/2 ये भिन्न है कि नहीं है। अच्छी तरह से बोलिए, थोड़ा सोच के बोलिए, देख के बोलिए, ये भिन्न है कि नहीं है। अगर इसमें अगर दिक्कत आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5/8 ये भी भिन्न है। तो दूसरा तीसरा ये हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं फिर कि 8/3 ये क्या है, ये भिन्न है कि नहीं है। कोई कोई उधर से कमेंट आ रहा है कि ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न 100% नहीं है। ये कौन सा भी नहीं, जो पूर्णांक जाएगा वह भिन्न नहीं होता, वह मिश्रित भिन्न है। ये देखिए 3 × 6 2/3 3 × 6 7/8/3 ये कौन सा भी नहीं, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न। अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में ज़रा ध्यान देना है कि ये जो भिन्न हम देख रहे हैं ये भिन्न के बीच में ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि 2/2/3 भिन्न है, तो 2/2/3 भिन्न है तो यहाँ कौन सा सिंबल है, गुना है, घटाव है, न जोड़ है। या तो इसमें क्वेश्चन कहेगा कि इसमें से कौन सा पूर्णांक घटा दिया जाए कि भिन्न 2/3 हो जाएगा। तो पहले जानना होगा कि यहाँ कौन सा सिंबल है, यहाँ जानते हैं कौन सा सिंबल है। कोई कोई इंटू कर रहा है, कोई प्लस कर रहा है, कोई डिबेट कर रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ इंटू अगर होता कि 2 × 2/3 तो क्वेश्चन आ जाता 4/3, तो क्या है, तो इंटू तो नहीं है, लेकिन 3 × 6 7/8 यानी कि 8/3 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, क्वेश्चन है ये। तो सिंपल देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2+2/3। आप इक्वेशन सरल करके देखिए, 3 × 6 + 2 = 8/3 यानी कि यहाँ सिंबल कौन सा, प्लस का सिंबल है। तो इसमें कौन सी भिन्न घटा दिया जाए कि पूर्णांक 2 रह जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो -2/3 घटा देंगे, एकदम सिंपल आसान, कोई कुछ करना नहीं है, देखना कितना घटा दिया जाए, 2/3 घटा दिया जाए तो ये भिन्न पूर्णांक 2 रह जाएगा। क्वेश्चन इतना देखना है, भिन्न में सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें भिन्न में रहता है 4/8, 5/9 यहाँ कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखना है किसी भी डिस्टेंस को पहले चेक कीजिए, बिना भाग दिए बिना एलसीएम की आप इसको आसानी से बता दोगे एक सेकंड में कि ये भिन्न कौन सा बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। यहाँ देखना है इसके बीच 4 और 8 के बीच कितना का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है, और इसके बीच कितना का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है। चाहे कितनों भी सेम डिस्टेंस रह जाए उस समय पर सिर्फ अंश के ऊपर चले जाइए, जो बड़ा अंश होगा वो बड़ा भिन्न, जो छोटा अंश होगा वो छोटा भिन्न। तो ये क्या हुआ, बड़ा भिन्न है और ये छोटा भिन्न है। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है भिन्न फ्रैक्शन में, सिंपल अभी छोटा है, फ्रैक्शन छुए नहीं है, फ्रैक्शन का बेसिक देख रहे हैं हम लोग कि फ्रैक्शन में रहता क्या क्या, फ्रैक्शन का हिंदी भिन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसी तरह 2/3 3/4 4/5 ये 3 डिजिट, इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले देखना है इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस 1 का है, इसका भी डिस्टेंस 1 का है, इसका भी डिस्टेंस 1 का है। जस्ट यह थोड़ा क्वेश्चन बताए थे कि जो भिन्न में यानी कि ऊपर और नीचे जिसका डिस्टेंस सेम आए उस मोमेंट पर अंश देखना है। तो बोला गया है क्वेश्चन में क्या सबसे छोटा भिन्न कौन वाला है, तो 2/3 है, 2/3 क्या है सबसे छोटा भिन्न है, यही देखना है क्वेश्चन में। यहीं पर क्वेश्चन कर दिया सबसे बड़ा भिन्न क्या है ना, 4/5 है। जस्ट यहाँ बताएं, चाहे किसी तरह करें, या तो उसका क्वेश्चन था 4/8, 9/4 इस समय पर आपको देखना है कि यहाँ कौन सा भिन्न बड़ा है। तीस तरह का मेथड अगर रहा जाए, डिस्टेंस अलग अलग जा रहा है, इसका डिस्टेंस 5, सर बोले कि अभी सिखाए थे यहाँ सेम डिस्टेंस, ऐसा बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पर देखना है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बहुत सारे जाते हैं, इसका डिस्टेंस 5 आ रहा है, इसका डिस्टेंस 4 आ रहा है, उस मोमेंट पर कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 4 16, इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 9 72।
यानी कि 72, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन वाला हो गया, 9/2, ये बड़ा भिन्न है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का क्वेश्चन मेथड लेके आएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इससे मिलते हैं, आज के लिए बताएँ।